साहिबगंज जिले के बरहेट थाना क्षेत्र में अज्ञात अपराधियों ने बड़ी घटना को अंजाम दिया है। दरअसल ललमटिया से फरक्का एनटीपीसी तक कोयला ढुलाई के लिए बिछाए गए एमजीआर ट्रैक को अज्ञात लोगों ने बम से उड़ा दिया है। इससे कोयला लोड माल गाड़ियों का परिचालन ठप हो गया है। बताया जा रहा है कि बरहेट थाना क्षेत्र के घुटुटोला गांव के पास रेलवे ट्रैक पर बम धमाका हुआ है। घटना की सूचना मिलने पर साहिबगंज एसपी अमित कुमार, एनटीपीसी के सीनियर इंजीनियर सहित अन्य अधिकारी घटनास्थल पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गए हैं। पुलिस को जांच के क्रम में घटनास्थल के पास से कुछ इलेक्ट्रॉनिक तार आदि बरामद हुआ है। वही मामले की गहनता से जांच के लिए एफएसएल की टीम को घटनास्थल पर बुलाया गया है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एनटीपीसी की जो स्पेशल लाइन है, जिसमें सिर्फ एनटीपीसी की गाड़ियां चलती हैं, जो ललमटिया से फरक्का कोयला ले जाती है, उसको डैमेज किया गया है। यहाँ पे रेलवे लाइन टूट गई है। हम लोग ये जाँच कर रहे हैं, एफएसएल की टीम भी आ रही है कि कैसे हुआ है, क्या हो रहा है। बाकी हम लोग जाँच के बाद ही बता पाएंगे क्या कारण है उसका। सर, इसमें क्या इस्तेमाल किया गया सर? ये तो एफएसएल के जांच के बाद ही होगा कि अब एफएसएल की टीम आएगी, वो जांच करेगी। कहीं ऐसा तो नहीं चुनाव के मद्देनजर इस तरह का देखेंगे हम लोग, सारे एंगल पे देखेंगे। सीआईएसएफ के डिप्टी कमांड केवाईसी साहब भी हैं हमारे साथ, और हम लोग ज्वाइंटली देखेंगे इसमें क्या है। और कोई अगर दोषी पाया जाएगा तो निश्चित रूप से हम लोग कार्रवाई करेंगे। कहीं सर इसमें कोई नक्सली का तो हाथ नहीं? नहीं, नक्सली का कोई साइड इनपुट नहीं है। किस तरह के एक्सप्लोसिव है वो तो सर आने के बाद ही, ये स्पेशल टीम आ रहा है इनका, झारखंड पुलिस का, वो आके चेक करके पता चलेगा किस टाइप का यूज़ किया है। अगर एक्सप्लोसिव टाइप का पता चल जाएगा फिर वो जीरो इन हो जाएगा किस तरह के लोग इसको यूज़ कर सकता है, तो उसी से वो क्लियर हो जाएगा। उसके लिए आप थोड़ा वेट करना पड़ेगा। ठीक।